सर्दी की दस्तक, पॉल्यूशन विकट, सांस पर संकट। जी हाँ, ये हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हैं। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है, यानी दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। और आने वाले दिनों में कोई राहत की खबर आए इसकी भी उम्मीद नहीं है। प्रदूषण का ऐसा विस्फोट हुआ है कि दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले करीब 5 करोड़ लोगों का दम घुटने लगा है। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो किसी की आंखों में जलन हो रही है। हवा में घुले जहर से करीब करीब हर शख्स की सेहत पर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर देखिए। प्रदूषण का ऐसा विस्फोट हुआ है कि विजिबिलिटी कम होने लगी है और अब आशंका यह है कि दिल्ली कहीं पूरी तरीके से गैस चैंबर ना बन जाए, जैसा हर साल इस सीजन में होता है। और यह खतरा सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे दिल्ली से सटे तमाम बड़े शहरों पर है, क्योंकि वहां की हवा में प्रदूषण का जहर घुला हुआ है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आठ, उसमें आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण अब विजिबिलिटी में नजर आने लगा है। और देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले हैं गोपाल राय, दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू, प्रदूषण को लेकर बैठक बुलाई गई है, प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। ये कहा कि पर्यावरण मंत्री दिल्ली के गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण पर, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू होगा और जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ कहा सुनवाते। जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जो है उसके अनुसार दिल्ली में अब ठंड जो है वो बढ़ने लगी है और साथ ही साथ जो हवा की स्पीड है वो भी कम हुई है, जिससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने की संभावना है। और उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर ग्रैप का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैप के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैप के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके। ABP News, आपको रखे आगे।